नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार। आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एट प्रोटेक में। दोस्तों, मैं आज लेके आया हूं ग्रेफाइट इंडिया पर जो आज का सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग था उसका जजमेंट अपडेट। तो जजमेंट बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि 23 अक्टूबर को इसका जो हियरिंग हुआ था उसमें पूरा फाइनल हुआ नहीं था। जजमेंट का अपडेट बताने से पहले मैं एक छोटा सा क्विक रिकैप बता देता हूं कि केस क्या था। हुआ ये था कि ग्रेफाइट इंडिया का जो बेंगलुरु प्लांट है वहाँ पे जो उसके आसपास रहने वाले लोगों ने एक कंप्लेन किया था कि वहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ग्रेफाइट इंडिया के कारण। और जब वहाँ पॉल्यूशन बोर्ड ने वहाँ पे जाके वेरीफाई किया तो देखा कि उनके जो छत हैं उनके रूफ वहाँ से टूटे फूटे हुए हैं, जिसके कारण बाहर बहुत ही पॉल्यूशन फैल रही है और वहाँ पर रोड पर ब्लैक ब्लैक डस्ट आ रहे हैं लोगों के हाथ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं पिक्चर में लोगों ने ऐसा दिखाया था कि बहुत ही ब्लैक डस्ट आ रहे हैं। तो इस पर कोर्ट ने पूछा था कि जो 9 अक्टूबर को जो हियरिंग हुआ था उसमें कोर्ट ने पूछा था कि क्यों ना आप ये आपको जो लाइसेंस दिया गया है निडिल कोक इंपोर्ट करने का उसे बैन कर दिया जाए, उसे कैंसिल कर दिया जाए। तो इस पे ग्रेफाइट इंडिया को उसे जवाब मांगा गया था। और उसके बाद जो नेक्स्ट सुनवाई हुई थी 23 अक्टूबर को, तो उसमें भी पूरा फाइनल जजमेंट नहीं हुआ था। और मैंने आपको वीडियो बना के 23 को मैंने वीडियो बना के आपको बताया था कि अभी पिक्चर बाकी है। तो उसमें हुआ ये था कि 23 को कि सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा था कि उनसे जवाब मांगा था, तो ग्रेफाइट इंडिया ने बताया था कि वो अपने प्लांट को 2 महीने के लिए क्लोज कर रहे हैं, नवंबर इन तक क्लोज कर रहे हैं ताकि वो रिपेयर कर सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इनसे हैप्पी नहीं था और उन्होंने कहा था कि क्यों ना आपके ऊपर फाइन लगाया जाए और आप खुद कैलकुलेट करके बताइए कि आप कितना कंपनसेशन दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू पॉल्यूट पे प्रिंसिपल। पॉल्यूट पे प्रिंसिपल क्या था मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं वहाँ पे मेरे पिछले वीडियो में। और उनका जवाब उनसे मांगा गया था 29 अक्टूबर को मांगा गया था, जो कि आज उनके हियरिंग में उनसे जवाब मांगा गया था। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ग्रेफाइट इंडिया ने क्या जवाब दिया, क्या हुआ हियरिंग, क्या हुआ उसका आज का जजमेंट। इससे बताने से पहले मैं आपसे एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा सपोर्ट है। नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं क्या सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में क्या हुआ। तो ग्रेफाइट इंडिया के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने 40 लाख रुपीज़ का फाइन लगाया है और इसे कहा गया है कि वो कर्नाटक स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को इसे विद इन 2 वीक पे करें। तो ये चूंकि अमाउंट ग्रेफाइट इंडिया के लिए छोटा अमाउंट है, उसने बहुत ही जल्दी एग्री भी कर लिया और इसके बाद ये केस डिसमिस हो गया है जो पॉल्यूशन रिलेटेड जो केस था। तो इस पे जो मेरा ओपिनियन ये है कि जो ये फाइन अमाउंट है स्मॉल अमाउंट है, तो ये कंपनी के लिए या कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा न्यूज है, पॉजिटिव न्यूज है और ये डेफिनेटली कल अपर सर्किट हिट करेगा। ग्रेफाइट इंडिया के लिए जो दूसरा पॉजिटिव न्यूज ये है कि वो ASM लिस्ट से बाहर आ रहा है, 30 अक्टूबर से बाहर आ रहा है, तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज है। और अभी जो ग्रेफाइट इंडिया का जो सर्किट है वो 5% का है, हो सकता है कि भी रिवाइज हो जाए 5% से 10% हो जाए। तो ये जो मेरा ओपिनियन है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप इसमें इन्वेस्ट करने से पहले प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर कंसल्ट कर लें। और एक और न्यूज अच्छी आ सकती है दो दिन के बाद HEG का रिजल्ट आने वाला है, 31 अक्टूबर का आने वाला है। अगर HEG का रिजल्ट अच्छा आता है, जैसा कि एक्सपेक्टेड है कि वो अच्छा रिजल्ट आएगा, वो एक ग्रेफाइट इंडिया के लिए भी पॉजिटिव न्यूज होगा, वो भी अच्छी बात है। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर अगर आपको अपडेट जल्द से जल्द मिल जाए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको मेरा आने वाला जो अपडेट है वीडियो होगा वो आपको जल्द से जल्द मिल सके। और अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद।